क्विक डिसीजन करने के लिए यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके पूर्व में भी लगा आप लोग का सरकार आपका द्वार, लेकिन पहले कुछ लोग छल परपच किए। मैं इस वक्त कुंदरू कला पंचायत में हूँ, जहाँ पे आपके योजना आपके सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अभी हमारे साथ ही यहाँ पे वीडियो मैम हैं, जो कि परिसंपत्तियों का यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। तो आइए, सरकार का जो योजना चलाया जा रहा है, किस प्रकार लोगों तक पहुँच पा रहा है, बहुत सारे लोग जो लाभ इनका नहीं ले पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का योजना चलाया जाता है? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग जो सरकार आपके द्वारा शुरू किए हैं, उसका बहुत पहले ही से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से, या फिर हम लोगों ने प्रखंड में और ग्राम पंचायत घूम घूम कर लोगों को, वार्ड सदस्यों को, मुखियाओं को, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, सभी से बात किया है कि वो अपने ग्रामीणों को बताएं जो जो योजना के हकदार हैं, जो भी जिस योजना को ले सकते हैं, लाभुक बन सकते हैं, वो ज़रूर आए और उनका योजना का लाभ लें। और जो योजना है, जैसे कुछ योजनाएं हैं, उनका ऑन द स्पॉट उनका निराकरण किया जा रहा है, और कुछ योजनाएं हैं जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, कुछ वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, तो उनका जो टाइम है उस समय में ही उनका निराकरण करते हुए आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं मैम, इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं, कोई वंचित नहीं रह जाता है, इसीलिए सभी लोगों को सभी तरह का स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। कम से कम 25 स्टॉल है, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और हमारे आदरणीय डीसी सर का एक निर्देश निकला हुआ है कि सभी से अटेंडेंस लेने के लिए, अगर किसी भी विभाग के कोई भी प्रतिनिधि या पदाधिकारी या कर्मी अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए कोई भी विभाग अनुपस्थित नहीं है, सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मी मौजूद हैं, हम खुद घूम कर उनको देख रहे हैं, उनका अटेंडेंस ले रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री हो रहा है, तो सभी लोग उपस्थित है। इसीलिए जनता जिस भी चीज के लिए आएगी उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ये सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई जा रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, जिसके तहत सरकार की एक सोच है कि जनता की जो आवाज है, जनता की जो समस्या है, उसका समाधान सर उसके घर में, उसके पंचायत के माध्यम से, उसके पंचायत में हो, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभागीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लेकिन दुख की बात है कि इस योजना के माध्यम से जो महत्वाकांक्षी सरकार की जो सोच है, उस पर यहाँ के पदाधिकारी खरा नहीं उतर पाते हैं। जैसे में सबसे महत्वाकांक्षी जीवन संबंधी जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी तो आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उस जो भी यहाँ पर दवा या जो सुविधा मिलना चाहिए उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। दूसरी है खाद्य आपूर्ति विभाग, जो जीवन से संबंधित है, उनको जो भी इस का लाभ जिस जनता को या जिस गरीब को मिलना चाहिए, उसका भी निष्पादन यहाँ पूर्ण रूपेण उस विभाग का व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं मिल पाता है। और दूसरी सबसे महत्वाकांक्षी जो अभी 4 साल पूर्ण होने के पश्चात एक महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, अबू आवास योजना, इसी को लेकर बहुत से भारी संख्या में हमारे माताएं उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह 3 साल सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का जो चल रहा है, अंतिम क्षण में, अंतिम कार्यकाल का 1 साल बचा हुआ है, तो कितना निष्पादन हो पाता है इस कार्यक्रम का, वो देखना है। और मैं चाहता हूं कि अबू आवास ये जिस तरह विभाग की लापरवाही ना बन जाए, और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर गरीब को आवास देना, उसका समाधान हो, इसका लाभ गरीब जनता को मिले। धन्यवाद। मैं आज रामगढ़ प्रखंड के कुंदरू कला पंचायत सचिवालय के प्रांगण में आज विभिन्न तरह का स्टॉल लगाया गया है, और प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के तमाम पदाधिकारी जो सामाजिक संबंधित कार्य से जो लोग को योगदान दिया गया है, वो सारे
सारे समस्या को लेके दूर दराज से बूढ़ बुजुर्ग माताएं बने अपना अपना समस्या लेके यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लेके अपना अपना प्रपत्र लेके सामने आ रहे हैं और सरकार का उद्देश्य है, सरकार आपका द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के सारा पदाधिकारी समझिए कि सरकार आपके द्वार में आज उपस्थित है और सारे समस्या के समाधान करने के लिए यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं त्वरित कार्रवाई करने के लिए, इसको त्वरित क्विक डिसीजन करने के लिए यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके पूर्व में भी लगा आप लोग का सरकार आपका द्वार, लेकिन पहले कुछ लोग छल परपच किए और एप्लीकेशन लेने के बाद सरकार आपके द्वार में पदाधिकारी लोग बोरा में भरने का काम किए। लेकिन मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इस तरह का छल परपच जनता के साथ नहीं करें, और यदि छल परपच करते हैं पदाधिकारी लोग तो ये सरकार आपका द्वार का कोई महत्व नहीं रहेगा और विश्वास सरकार से उठ जाएगा। सारे पब्लिक को मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग भी यहां पे बहुत आशा और उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं, ये आशा और उम्मीद इन लोग का खरा उतरे पदाधिकारी लोग और लोग त्वरित कार्रवाई करें, समस्या का समाधान करें। सबको धन्यवाद, सबको जोहार। कि झारखंड सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस तरह के शिविर पूरे झारखंड में आपके आगना आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाया गया है। आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये नाम कितना गंभीर है और हमारी सरकार जो है कितना गंभीर सोच रही है। जो आज खुद इस सेमिनार में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिला के तमाम अधिकारी और ब्लॉक के तमाम अधिकारियों के साथ साथ गांव के दबे कुचले जितने भी हैं उनका सारा क्यूक काम हो रही है। और हम बिल्कुल, चूँकि इस 4 साल के उपलक्ष्य में सरकार के जो अच्छा मैसेज उनके अति में जा रहा है, हम चाहेंगे कि कुछ अधिकारियों का भी सहभागिता हो और हमारे सरकार जो सोच रही है कि एक एक गरीब जनता को एक एक परिवार को इस योजना का लाभ मिले और सभी लोग इस झारखंड में सुखी रहें।